मैं एक नया अकाउंट खोलता हूँ $1,000 से। Sit back, relax and watch these videos like, you know, like once you're done for the day. I invest and you watch. That's it, like literally. हाय एवरीवन, मेरा नाम कासिम है और आज मई की 3 तारीख है, जुम्मे का दिन है और मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ होगी ये मुकम्मल अनस्क्रिप्टेड और जो मुँह में आया मैं बोलूँगा और कोशिश होगी कि मैं आपके साथ जितना ऑनेस्ट और जितना ट्रांसपेरेंट आपके साथ हो सके मैं कोशिश करूँगा उतना हो सकूँ। और ये पूरी सीरीज़ जो है वो यूएस में स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के हवाले से होगी। मुझे अब तक तकरीबन 5 साल हो चुके हैं कि मैं स्टॉक में यूएस स्टॉक्स में जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ। ना तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, ना तो मैं डे ट्रेडर हूँ, मैं असल में प्ले ट्रेडर हूँ। और मैं इसलिए प्ले ट्रेडर, ये कोई लफ्ज़ नहीं है किसी डिक्शनरी का, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज तक पिछले 5 सालों तक मैंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मैंने इसको एज अ गैम्बलिंग सोचा है और कंसिडर किया है। और मैंने दोनों एक्सट्रीम्स देखे हैं। मैंने ऐसा हुआ है कि मैंने $100 डालें और वो 300 हो गए हैं, और ये भी देखा है कि मैंने $100 डालें और वो ₹1 भी नहीं बना मुझे। तो क्योंकि मेरी आइडियालॉजी और जो मेरा कंसेप्ट था वो यही था कि मैं जल्दी पैसे बनाऊं, और उसके चक्कर में जो था वो बहुत दोनों एक्सट्रीम्स मुझे मिलते रहे। तो आफ्टर 5 years लाइक टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, ये रियलाइज़ हुआ कि यू नो लाइक ऑल दीज ईयर्स आई थिंक मेनली अगर एवरेज पे मैं बात करूं तो मैं 7% ही कमा सका हूं इससे, क्योंकि अगर दोनों एक्सट्रीम्स को आप मैच करें ना तो डिफरेंस जो बनता है तो वो मैं अप ही गया हूँ, लेकिन ये नो लाइक 5% या 6% अप गया हूँ। अभी भी बचत हुई है काफ़ी, ये नो लाइक जितना स्टॉक्स में नुकसान हुआ है उसके बावजूद भी ये नो लाइक अनटिल दिस पॉइंट आई एम स्टिल अप। तो मेरा इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ये है कि यू नो लाइक आई इन्वेस्ट एंड यू वॉच, दैट्स इट, लाइक लिटरली। तो इस पूरी सीरीज़ का मकसद ये होगा कि पहली बात, मैं 3 बताता हूँ मकसद। तो पहले तो ये होगा कि देखें, आप मुझे देखें कि हाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, और आप वो अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करें, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग ये नो लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये नो लाइक दे आर लुकिंग फॉर सिग्नल्स। उसमें ये होता है कि उनको जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है ना, उसको ख़ुद भी सिग्नल का नहीं पता कि सिग्नल है क्या, और वो कहीं से उठा के आपको अपनी 2-3 क्रियान पे जो है ड्राइंग्स के लिए किरे खींच के आपको देते हैं कि ये वाला आगे बढ़ेगा, और वो बढ़ जाता है, और यू नो लाइक यू स्टार्ट बिलीविंग दैट शिट। सो मेरा इससे ये होगा कि यू नो लाइक यू स्टे अवे फ्रॉम दैट, और यू नो लाइक डू रियल इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट यू नो लाइक व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 5 years। And just educate yourself, you know like उसकी मैं एक real life एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे अंडर एक बंदा काम करता था थ्रू मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर, और फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न मैं उस गोरे का नाम शेमी रख देता हूँ, ठीक है। तो वो वॉर्टन स्कूल गया। अब अगर आपको नहीं पता कि वॉर्टन स्कूल क्या है तो आप गूगल कर लें, वो अमेरिका की 1 of the finest यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है। वहाँ से उसने 4 साल या 6 साल जो है वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ी है। उसके बाद जब वो फारिग हुआ तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी, शुरू के दिन थे, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम शुरू किया मेरे अंडर, और वो इंतहाई काबिल बंदा था। और आजकल खैर वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जब उसको मिला तो आजकल वो वॉल स्ट्रीट में काम कर रहा है। अब एक ऐसा बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हो और उसको एनालिसिस की A to Z आते हो, जिसने ये पढ़ाओ A to Z और वॉर्टन से पढ़ाओ, मतलब आप देखें, आप अभी मुंह उठा के पैसे लेके जाके वॉर्टन जाए वो आपको एडमिशन भी नहीं देंगे, मतलब इतनी बड़ी वेट है उसकी, बड़ी लाइन लगी हुई है। तो वो ऐसे फाइनेंस यूनिवर्सिटी से बंदा फारिग होता है और वो इंतहाई काबिल बंदा है जिसको पता है कि क्या हो रहा है, और वो नहीं बता सकता यार कि कौन सा स्टॉक आगे बढ़ेगा कौन सा ये नहीं। तो उसके मुकाबले में जो बंदा आपको बुगाटी दिखा रहा है या फरारी दिखा रहा है, वो मैट्रिक फेल है, हाई स्कूल पास भी नहीं है, और वो आपको बता देता है कि ये हो रहा है। तो ये सारी तुक्के की चीज़ें, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, एंड देन इट टेक्स टाइम। ये नो लाइक अगर ये जनरेशन इनकम आपने बनानी है, सो इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट गोना हैपन ओवर द नाइट, ठीक है। तो इन्वेस्ट योर टाइम, दैट्स वन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि देखें जो मेरी मूव्स होंगी आप देखेंगे, मैं आपके साथ एक ट्रैकर बाकायदा शेयर करूँगा और उस ट्रैकर में आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने ख़रीदे हैं, कौन से मैं ऑफलोड कर रहा हूँ, कौन से मैं बेच रहा हूँ, कौन से मैं ख़रीद रहा हूँ, कौन से मैं ज़्यादा टाइम रख रहा हूँ। तो उसमें से ये होगा कि कहीं कहीं मूव गंदी भी जाएंगी और वो मैं पैसे जो है वो तबाह भी कर लूँगा। इवन आफ्टर बीइंग कॉशियस आई विल स्टिल लूज़ मनी, क्योंकि मैं एक एवरेज इन्वेस्टर हूँ और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। तो मेरा उन कंपनीज़ के साथ मुकाबला है जिनके पास फुल टाइम डेटा एनालिस्ट और स्टॉक एनालिस्ट हायर्ड हैं। सो ऑब्वियसली मैं उनको बेट नहीं कर पाऊँगा हर मूव में, तो होगा यही कि यू नो कभी कभी लॉस भी होगा उसमें अमूमन। तो आपने फिर वो मूव्स देख लेने यार कि ये ठीक मूव नहीं थी, ये एंट्री ठीक नहीं थी, ये सेक्टर जिसमें गया ये ठीक नहीं थी, तो वो आपने नहीं करना। तीसरी बात यह है कि अगर मैं मुनाफा कर भी लूँ तब भी वो आपने नहीं करना, क्योंकि मेरी जो एंट्री है वो आज की है, मैं जिस प्राइस में जा रहा हूँ। अगर मैंने $4 का एक स्टॉक ख़रीदा है और मैं 20 पे बेच रहा हूँ, तो आप अगर 20 पे उसको ख़रीद रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये 40 पे जाएगा, तो आप ख़ुद सोचें यार कि उसके 40 पे जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, उससे 20 से 3 पे आने के वापस ज़्यादा चांसेस है या सिफर पे आने के ज़्यादा चांसेस। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी प्रोबेबिलिटी को उसमें इस्तेमाल करें तो आपको यही लगेगा कि उसके नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उससे ऊपर जाने के कम चांसेस हैं। सो यू डोंट डू दैट, राइट। सो दिस एंटायर सीरीज़ विल बी प्योरली education and infotainment purposes, ठीक है। I'm not selling you anything and you're not buying anything। मैंने अगर इस सीरीज़ के दौरान अगर आपको कुछ बेचा भी, you don't buy it, ठीक है। मकसद मेरा कोई भी चीज़ ना आप पे बेचने का है, हाँ education और entertainment provide करने का ज़रूर है। So like sit back, relax and watch these videos like once you're done for the day। और जो भी questions हो, I'll try to create a Discord community और Facebook community जहाँ पे मैं जो है आपके सवालात का जवाब ज़रूर दे सकूँगा। तो शुरू ऐसा करते हैं कि मैं एक नया अकाउंट खोलता हूँ $1,000 से। नाउ आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रिविलेज जिनके पास $1,000 नहीं होंगे, जो कि रफली 2.5 लाख रुपए बनते हैं। सो फॉर यू लाइक टू मेक यू फील बेटर, दीज आर नॉट माइन। सो मैंने ख़ुद अपने करीबी दोस्त से कैश में जो है $1,000 लिए, इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अपने आगे टारगेट्स रख रहे हैं। तो 2 टारगेट्स होंगे, ठीक है। पहला टारगेट आपके दरमियान आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने एक साल में ये $1,000 अपने दोस्त को वापस करने और उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल हैबिट बिल्ड करनी है कि हर पे चेक में से जितनी भी मेरी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें डालता रहूँ। और आपके सामने तो जब ये वीडियो सीरीज़ होंगे, इट विल मेक मी वेरी अकाउंटेबल, जो स्टिक टू द गोल एंड ऑल्सो नॉट डू डम शिट। सो like you judge me by my moves, that's one thing। दूसरा ये है कि 5 सालों में gradually इतना हो जाए कि like I substantially like retire from my job or whatever I'm gonna do। So दो goals आपके सामने रख रहा हूँ। आज का दिन जो है May 3rd Friday 2024, right। और 5 सालों बाद देखेंगे, ये वीडियो में definitely देखूंगा कि where I am right now against my goal that I started, the financial goal। बहुत सारे और goals भी हो सकते हैं लेकिन this is strictly financial goal। So let's go to the screen। और मैंने पहली वीडियो है तो इसलिए मैंने पहले से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो पहले से चुन करके रखे हुए हैं और वही आज ख़रीदेंगे $1,000 में से। और आइंदा जब मैं दोबारा सेशंस करूँगा, सो बिफोर आई बाय एनीथिंग आई विल ट्राई टू गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी कि कंपनी क्या कर रही है, क्या उसके फ्यूचर हैं, क्या ये स्टॉक लेना बिल्कुल ठीक भी है या ये like it's too risky। और हर वीडियो में जो है अपने ट्रैकर को एनालाइज करेंगे कि आज मैं कैसे जा रहा हूँ, जो प्राइस है और जिस प्राइस पर मैंने ख़रीदा है क्या उससे बेहतरी आई है या उससे मज़ीद नुकसान आया है। और कभी कभी तो ऐसा होता है like the stock goes down then you buy more, so it's not going up। So उसमें ये होता है कि dollar cost average जब आप करते हैं, so in a long term like you get the most out of it। कभी कभी ऐसा भी होता है like the stock is going up and you buy more and you still make money although you buy at the expense or like a higher rate than the previous rate। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि एप्पल स्टॉक्स की ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने 2005 में स्टॉक लिया तो ये ना है कि उसकी प्राइस नीचे थी, फिर 2007 में लिया वो ऊपर थी, फिर 2010 में लिया, फिर 2015, तो हर अगर 5 साल बाद अगर आप देख रहे हैं और आप स्टॉक्स ख़रीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो नीचे भी गया है, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देख लें तो वो हायर प्राइस के साथ साथ भी वो ऊपर गए हैं। अगर आपने 2008 की प्राइस को 2015 की प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो शायद 2015 की प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन आपने फिर भी ख़रीदा और उसको आज की प्राइस से कंपेयर करें तो आप स्टिल मुनाफे में होंगे। सो डिपेंड्स यू नो लाइक कंपनी कहाँ जा रही है, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्विक करते रहेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन एंड अगेन आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नो लाइक आई डोंट एडिट अ लॉट ऑफ दिस, सो यू गेट द मोस्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड, और मकसद यही होगा कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं और आपसे जो है वो शेयर कर सकूं। ऑलराइट, लेट मी मेक श्योर दैट दिस इज़ रिकॉर्डेड। ओके, ये स्टॉक ट्रैकर। ऑलराइट, सो उम्मीद है कि आप देख रहेंगे अपने स्क्रीन पे, और ये जो 10 स्टॉक्स मैंने चूज़ किए हुए हैं उन्हीं को आज ख़रीदते हैं। जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म है रॉबिनहुड का। अब मैंने रॉबिनहुड में भी इन्वेस्टमेंट की है और वीबुल में भी की है और इस तरह फिडिलिटी भी में की है। तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, यू नो लाइक बेसिकली सेम, थोड़ा बहुत प्राइस में आगे पीछे हो सकता है, कोई सस्ता बेच रहा है कोई महंगा बेच रहा है, बट इफ़ यू लुक एट इट लाइक इफ़ यू नॉट बाइंग इन बल्क, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 1000, 2000, 5000 स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं तो आई थिंक यू नो यू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, दैट्स मोर देन इनफ। आई डोंट नो लाइक हाउ यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम योर एंड, लाइक मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं एज अ फॉर इन्वेस्टर्स दैट आर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई जस्ट डोंट नो, आई एम जस्ट गोना शो यू व्हाट आई यूज़, सो लेट्स गो फ्रॉम देयर। तो ये ट्रैकर है, ठीक है, अभी गूगल शीट में मैंने बनाया हुआ है और इसको मज़ीद अच्छा करेंगे। दिस इज़ अ वेरी बेसिक लुक, राइट, आई गेट इट। पहला जो है वो स्पाई का है, तो मैंने यहाँ से स्पाई कॉपी किया, स्पाई के पास गया, ठीक है, और अब ये जो स्टॉक है यहाँ पे आप मेरी बाइंग पावर देख सकते हैं $1000 और अब ये कम हो गई $1000 या। सो मैंने शेयर ख़रीदने पूरा एक, तो मैंने यहाँ पे एक किया और ये $511 बने, $512 तकरीबन। ये ऑर्डर रिव्यू किया, उसके बाद ये ख़रीद लिया, ठीक है, और डन। अब मेरी बाइंग पावर जो है वो कम हो गई आपके सामने, ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, चूँकि मेरी हिस्ट्री यहाँ पे है और ये मैंने रिकॉर्ड भी करना है, तो मैंने लिमिट प्राइस ये लगाई थी, ठीक है, इस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है। सिर्फ प्राइस ही चाहिए और मैंने एक ही क्वांटिटी ख़रीदी है और मेरी कास्ट बनी है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बोइंग, लेट्स गो। ओके, एक शेयर इसका भी ख़रीदना है, $179 का, ओके, नो प्रॉब्लम। यहीं से मैं प्राइस कॉपी कर लेता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो, 79, ओके, डन। ओके, अलीबाबा, all right, one, okay। साथ साथ जो है वो मैं अपनी बाइंग पावर भी देखता जाऊँ कि कितना बैलेंस बचा है मेरे पास। I just have to refresh this। अच्छा, या ओके, जेडी, मैंने जो स्टॉक्स चुने ऑब्वियसली मैंने लास्ट प्राइस के हिसाब से चुने। सो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये सारे स्टॉक्स हम ख़रीद ना पाएँ आज, बट दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जितना भी आज हो सके उतने ही हम ख़रीदते हैं और फिर अगले पेचेक में से जितने मेरे पास पैसे बचें उस हिसाब से फिर आगे मैं मज़ीद स्टॉक्स ख़रीद लूँगा। और कोशिश होगी कि मैं एक कॉलम और भी यहाँ पे बना लूँ ताकि आपको पता लगे कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो टिकर सिंबल्स हैं, ये किस किस कंपनीज़ के हैं और वो कंपनीज़ क्या क्या करती हैं। राइट, रिवियन ऑटोमोटिव। फ़िलहाल मैं एक स्टॉक ख़रीद रहा हूँ और मकसद मेरा यही है कि यू नो लाइक एक रीज़नेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लान हो और फिर मैं यू नो लाइक आई स्टिक टू इट और यू नो लाइक कीप बाइंग और यू नो लाइक ऑफ लोडिंग इफ़ इट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल। अब ये वाला स्टॉक जो है वो एक दिन में सुबह से ऑलमोस्ट 2% ऊपर गए। सो अगर आपने सुबह $500 या $100 डाले थे तो अब वो $102.03 हो गए। आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसा भी कर सकते, $10,000 इसमें डाले होते हैं तो अब तक आपके पास $200-300 जेब में होते हैं। बट नोबडी नोज़ यू नो इफ इट्स गोइंग अप दैट वे एवरी डे, सो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। Peloton. Okay. All right. Okay. Perfect. अब मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास तकरीबन $47 का कोई बैलेंस बचा है मेरे पास। तो ये मैं देखता हूँ, ये कहीं कॉल आ रही है मुझे। ऑलराइट, सो जस्ट टू डबल चेक कि वो सारे स्टॉक्स मैंने ख़रीदे हैं जो अभी लिस्ट में आपके आ रहे हैं, तो स्पाई, BAA, बाबा, स्टारबक्स, JD, WBD, HIMX, Peloton, ओके, रिवियन और पैरा नहीं बता रहा। सो लेट्स चेक। ओके ओके, सो फॉर सम रीज़न ये वाला स्टॉक इट डिडंट गो थ्रू। सो व्हाट आई वुड डू, मेक श्योर दैट आई कॉपी द प्राइस। ओके, पैरा और रिवियन। रिवियन मैंने पिछले भी कुछ ख़रीद रखे हुए हैं। सो आई एम नॉट श्योर, ओके प्राइस वही रहेगी April 17th। ओके नो, सो दिस इट डिडंट गो थ्रू ईदर। All right. Okay, so the rest are right there. $9.53. Okay. I think आज के लिए इतना ही। 50-47 का बैलेंस बच रहा है। So we'll just keep it that way. और देखेंगे यार कि 2 weeks में कितना you know like difference आता है और फिर उसी 2 वीक्स के दौरान हम एनालाइज करेंगे कि ये मूव्स ठीक हैं, हमें और मज़ीद यही स्टॉक्स ख़रीदने चाहिए या कुछ और इंडस्ट्रीज़ को अपने लिस्ट में शामिल कर दें और उस हिसाब से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को तरतीब दें। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। मतलब मेरे अकाउंट में ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स हैं, पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। बट द आइडिया इज़ दैट व्हाटएवर आई हैव डन आई हैव फॉरगॉटन दैट। जो हुआ पिछले वो दफ़ा है, रफ़ा दफ़ा है, और अभी से आज के दिन से नया स्टार्ट है। सो यू नो लाइक वी आर स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम $953.95 and we will see in 5 years definitely, that's the main goal। लेकिन एक साल में मेरी कोशिश यही है कि ये जो $1000 हैं ये मैंने रिटर्न करने और मज़ीद अपने पे चेक में से थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है और एक रिस्पॉन्सिबल हैबिट बिल्ड करनी है कि ओवर द ईयर्स हम अपने थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकें। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।